पहले बुक्स को लेके कई सारे बच्चों का डाउट था, तो मैं बुक्स को लेके क्लियर कर दूं बेटा। देखो जरा, फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, ये ऐसी कतई खतरनाक किताब है, जो बच्चा 10th से 11th में जा रहा है, ठीक है, उसके लिए मैथ्स की एनसीईआरटी, अगर आप मैथ्स का पढ़ोगे तो मैथ्स की एनसीईआरटी बिल्कुल हलवा लगेगी। अब जो लोग करते होंगे उसको पता भी होगा, ठीक है। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी हो सकता है कि आपको एक लड्डू लगे, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा खाने में, ठीक है। और जो फिजिक्स की एनसीईआरटी है, ये भी एक लड्डू है, लेकिन वो लड्डू बना है मेटल से कास्टेड, मेटल कास्टेड, ठीक है, मतलब लोहे को गर्म करा और लड्डू की शेप देके पीले कलर का पेंट कर दिया और आपको दे दिया गया है, ठीक है। फिजिक्स की एनसीईआरटी बेटा हाई लेवल है, उसमें कई क्वेश्चन बहुत बेसिक से है जो सोचने पे आपको बहुत ज्यादा मजबूर करते हैं। मैं खराब नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं टफ है, ठीक है, मैं कह रहा हूं टफ है। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से बेटा चलेंगे, बेटा क्रिकेट खेलने की स्ट्रेटेजी और फुटबॉल खेलने की स्ट्रेटेजी अलग होती है, दोनों में दौड़ लगती है, लेकिन दौड़ने का तरीका अलग होता है ना भाई। हमारे पास 100 मीटर में भी दौड़ना है और फुटबॉल में भी दौड़ना है, तो क्या मैं 100 मीटर वाले को उसेन बोल्ट को कह दूं भैया तू फुटबॉल खेल ले और रोनाल्डो को बीट कर देगा? नहीं, ठीक है, क्योंकि हर चीज की स्ट्रेटेजीज अलग होती हैं। तो मैं यहां पे कह रहा हूं बेटा, मैथ्स अगर आपसे हो रही है तो आप वही चीज फिजिक्स में लगा के एनसीईआरटी अभी के लिए सॉल्व नहीं कर पाओगे। बैकलॉग में भी आ रहे हैं, ठीक है, बैकलॉग में भी आ रहे हैं। तो हमारे पास फिजिक्स की एनसीईआरटी कंपैरेटिवली टफ है, इसीलिए मैंने कहा था कि इनिशियली एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा दूंगा मैं आपको बताऊंगा तब करना, और जो सॉल्यूशन दिए हैं विनय सर ने उनको फिर देखना, और सीखने का प्रोसेस है बेटा, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आपको फिर भी है कि एक बार पढ़ते ही सब समझ आ जाए, ऐसा नहीं होता। आपने 10वीं कितनी बार पढ़ ली थी, बोर्ड देने वाले थे आखिरी तक आ गए, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो आप अटक जाएंगे। That's a learning process, बेटा। तो आपको कई बार ups and downs आएंगे और ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने कहा back to basics। आपको ये पता होगा कि यार कई बार चीजें नहीं समझ आएंगी, तो आपको positive रहना है। तो NCERT is must, लेकिन उसका एक समय है जब टीचर बताएगा physics में तब करना, ठीक है। अब हमारे पास और कौन कौन सी बुक्स थी, मैंने कहा था भैया NCERT तो हम लोग आपको कराते रहेंगे, सोल्यूशन भी आपको मिलते रहेंगे, सोल्यूशन आपको मिल भी रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्लास के नोट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास के नोट्स पढ़िए। अगर आपका एनसीईआरटी होने के बाद एचसीवी एंड पास्ट ईयर्स की बुक, पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस की बुक, अभी क्या है जो फिजिक्स की 11th है वो कुछ ऐसे चैप्टर से स्टार्ट होती है जो काफी अच्छे तरीके से नहीं दे रखे, ठीक है, इवन एचसीवी में भी नहीं दे रखे और पीवाईक्यू में भी नहीं दे रखे। इसलिए यहां पर स्टार्टिंग के चैप्टर्स की बात करूं, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में लिखा भी हुआ है, कई बार मैंने बोला भी है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पे ध्यान दीजिए, ठीक है, और डीपीपीस पे ध्यान दीजिए। आपको तो असाइनमेंट भी दिए गए हैं, ठीक है, असाइनमेंट पेपर ध्यान दीजिए, लेकिन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एचसीवी और पीवाईक्यू के जैसे जैसे मेरे टॉपिक होते रहेंगे मैं बताऊंगा एचसीवी से ये क्वेश्चंस करो, उसी पे अप्लाई करो, ठीक है। तो आपको एचसीवी और ये है, जिन बच्चों को डीसी पांडे किताब, ठीक है, सिंगेज की किताब और ये सब सारी चीजें याद आ रही है, मैं कहता हूं बेटा ये किताब आप तब लगाइए जब आपके पास समय है, क्योंकि आईआईटी आपको रैंक इस तरीके से नहीं देगा कि भैया ये बच्चा फिजिक्स में बहुत तेज है या मैथ्स में बहुत तेज है तो इसको ले लो, नहीं, वो आपके तीनों सब्जेक्ट को देखेगा, तीनों सब्जेक्ट के आपको टेस्ट देने हैं, तो आपका बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बुक्स हमारे पास बिल्कुल बेसिक्स है, बेसिक से ही हम लोग सारी चीजों को लेंगे, ठीक है।